How much is it? Price is there, 1.40. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. व्लॉग शुरू होने से पहले आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की रहमतों और बरकतों को जो है समेट सकें, आमीन। तो हमारा रोज़ा तो कल से ही शुरू हो गया था और पाकिस्तान में भी आज से रोज़ा है, तो सबको जो है पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है आपके रोज़े और पूरे महीने की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो पूरा बेस कर रहे हैं इफ्तारी पे। सबसे पहले हम एस्ट्रा गए, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो ली और फिर उसके बाद जो है घर वापस आई। आज मैंने सोचा कि मैं ज़रा टाइमली इफ्तारी बनाऊंगी, लेकिन ये है कि शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। बीच में मुझे जो है मैं 4:30 पे आ गई थी किचन में, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, बट ये है कि मुझे एक ईमेल आ गई कि 5 बजे मेरा एक इंटरव्यू है। तो बस फिर जो है ना इंटरव्यू के चक्कर में मेरी पूरी टाइमिंग जाके पीछे हो गई और मेरी आधी ही इफ्तारी बनी थी कि रोज़ा इफ्तार हो गया। तो बस यहाँ पर मैं नीचे आई, जल्दी से मैंने जो है फ्रूट चाट बनाया और क्योंकि देर हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से मैं फिर रिकॉर्ड भी इतने अच्छे से नहीं कर पाई। तो बस जल्दी से फ्रूट चाट बनाया और अब जो है पकोड़ों की तैयारी चल रही है। मैं कोशिश कर रही थी कि पकोड़े जो है ना क्रिस्पी बने, उसके लिए जो है मैंने जो आलू है इसको थिन स्लाइसेस में काटा और फिर उसके बाद जो प्याज है उसको भी जो है मैं थिन स्लाइसेस में ही काटूंगी। कम बेसन डालने से आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो बस यहाँ पे फाइन स्लाइसेस में काटने के बाद आलू को मैंने ठंडे पानी से धो लिया और फिर उसके बाद जो है प्याज को भी मैं काट लूँगी और कोशिश करेंगे प्याज जो है ना जितना पतला होगा उतना जो है ना पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो बस प्याज को भी काट लेंगे, इसको भी जो है अच्छी तरह से वॉश करके और फिर जो भी हमारा बाउल है उसमें जो है ना हम डालेंगे ताकि इसका जो है मसाला रेडी किया जाए। चलें तो जब तक जो है मसाला रेडी हो रहा है तो मुझे आप लोग ये बताएं कि किस किस ने कल से रोज़े स्टार्ट कर दिए हैं, कौन आज से स्टार्ट कर रहा है और आपके जो है माइंड में क्या प्लान है रमज़ान को लेकर, क्या गोल्स हैं। एक दूसरे से शेयर करें कमेंट सेक्शन में ताकि जो है हम एक दूसरे से जो है मोटिवेशन लें और एक दूसरे से जो है ना लर्न कर सकें, ठीक है। तो बस वापस चलते हैं हम पकौड़ों के मसाले की तरफ। तो इसमें जो है मैंने आलू और प्याज को जो है वो धो के डाल दिया है। अब मैं एक टमाटर भी जो है थिन स्लाइसेस में करके काट लूँगी और फिर उसके बाद जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग पकौड़ों में नहीं डालते टमाटर, लेकिन ये है कि मुझे अच्छे लगते हैं जब ये फ्राई हो के एक अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं डालती हूँ। तो बस फिर एक मैंने हरी मिर्च ली क्योंकि हमारे यहाँ कम स्पाइसेस खाए जाते हैं, तो वो भी मैंने आधी ली थी। बाकी जो भी हरा मसाला है धनिया पुदीना वो मैंने जो है थोड़ा थोड़ा लेके काट के इसके अंदर डाल दिया था। तो बस यहाँ पर सारा काटने पीटने का काम हो गया। अब जो है इसके अंदर मैं बेसन डालूंगी, जैसे मैंने पहले कहा है कि बेसन मैं कम डालती हूँ तो बेसन कम डालूंगी। ज़ीरा डाला है और इसके साथ मैं जो है क्या कहते हैं इसको धनिया डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और फिर इसके अंदर
पिसा हुआ धनिया डाला, पहले मैंने साबुत धनिया डाला था, अब मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, और अब मैं इसमें जो है हल्दी डालूंगी एज़ पर टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, या जितना भी आपका मसाला है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं आज ही लेकर आई हूँ और मुझे अच्छी लगती है पकौड़ों में, वो मेथी है। हस्बैंड बहुत मना कर रहे थे कि हम ये चीज़ें नहीं खाते, मगर उनको पता भी नहीं चला और उन्होंने पकौड़े खा लिए और उनको बहुत अच्छे भी लगे पकौड़े। तो बस इसमें जो है ना मैंने थोड़ी सी लाइक 1 टीस्पून के जितनी कम सी ही जो है ना मेथी डाली थी, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इससे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स 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 मिक्स, और पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर और आलू का अपना पानी होता है, इसलिए मैंने पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देखा और फिर मैंने देखा कि इसमें थोड़ी सी पानी डालने की ज़रूरत है, तो वो जो है ना मैंने फिर पानी डाला है। मैंने कहा क्या फिर मैं चम्मच से खेल रही हूँ, जल्दी से जो है ना हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो है ना टाइम ऑलरेडी कम है तो कम टाइम हो। फिर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो आंटी से मैंने कहा कि नमक डाल दें, तो फिर उन्होंने जो है बीच में नमक डाल दिया। तो बस अब हम जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने साफ़ किया था तो वो मैंने सही से फिट नहीं किया था, चूल्हा नहीं चल रहा था, मुझे एकदम से टेंशन होना स्टार्ट हो गया कि ये पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने साफ़ किया, शायद उसी में ही कोई प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, जब मैं पहले पाकिस्तान में अपने घर में अम्मी के घर में काम करती थी, अफ्तारी करती थी, मैं चीज़ें इतनी फैलाती थी, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे खुद ही समेटनी है, तो मैं जो है ना साथ साथ चीज़ें समेट रही होती हूँ और लगे हाथ जो है ना मैं कोशिश करती हूँ बर्तन भी धो लूँ, जितने बर्तन होते जाते हैं मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, और जो है ना मैं एक ही बर्तन में बार बार चीज़ें बनाती रहती हूँ उसी को धो धो के, ताकि जो है ना एंड में बहुत ज़्यादा बर्तन हो, बट स्टिल बर्तन जो है ना फिर भी ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं और टाइम होने वाला है, बस 8 मिनट रह गए, और मेरे जो है ना दिमाग में जो टिक 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 करके जो है ना एक एक सेकंड चल रहा है, और ये 8 मिनट बहुत मुश्किल थे, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान बेहतर से बेहतर करे, टाइमली सारी चीज़ें रेडी कर ले, लेकिन जाहिर सी बात है आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं मेरे दोस्त। तो बस साथ में जो है ना हस्बैंड बहुत वो कर रहे थे कि कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं, अफ्तारी के बाद बना लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सारी चीज़ें ले जाके उन्होंने टेबल पे रख दी और मैं जो है ना बस जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी कि जो है ना जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो बना लूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ये पकोड़े फ्राई की हैं। पकोड़े फ्राई करते हुए मैं स्टार्ट में जो है ना पहले तेल सही से गर्म कर लेती हूँ, फिर जो है ना जो आपकी फ्लेम है वो मैं मीडियम कर देती हूँ, और उसके बाद जब ये थोड़े से पक जाते हैं तो फिर जो है ना मैं इसको हाई फ्लेम पर बनाती हूँ, उससे जो है ना क्रिस्पी बनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने यही कोई पकोड़े बनाए थे और इसके बीच में ही अजान हो गई, तो फिर बस इसके साथ साथ जो है ना खाना पीना भी चल रहा था और जो है ना किचन में ये फ्राइंग का काम भी चल रहा था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फ़ौरन रोल समोसे भी फ्राई कर लिए। अच्छा, रोल समोसे फ्राई करने की एक ट्रिक है, शुरू में जब मैं इसको फ्राई करती थी तो इनका जो है ना कलर बहुत ख़राब सा आता था और ये अंदर से कच्चे रह जाते थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे, बहुत कम ना हो बट मीडियम फ्लेम पर जो है ना इसको आप मुसलसल चलाते चलाते जो है ना बनाएं, यानी बार बार साइड्स इसकी चेंज करें और बिल्कुल भी हाथ ना रोकें, तो फिर जो है ना ये अच्छे से कलर के साथ वो हो जाते हैं, अंदर से भी अच्छी तरह पक जाते हैं, तो गोल्डन कलर बहुत अच्छा सा आया और जो है ना अंदर से अच्छी तरह से पके हुए थे।
तो बस जो है ना यहाँ पर मैं पकोड़े दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना अंदर मैंने एक प्लेट दे दी है पकोड़ों की और रोल भी हो गए, तो अब मैंने कहा कि जो इसका बाकी मसाला रखा हुआ है उसको भी जो है ना जल्दी से बना के ख़त्म करते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना मैंने अंदर बैठ के आराम से खाया पिया, अफ्तारी की, और उसके बाद जो है ना फ़ौरन मैं किचन में दोबारा आई और फिर कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे कुछ और भी बनाना था जो कि आप आगे देखने वाले हैं। मेरा मेन कोर्स तो वही था, लेकिन वही बात है कि देर होने की वजह से बन नहीं पाया, तो बस फिर जो है ना मैंने अफ्तारी के बाद किचन में आके दोबारा से जो है ना काम शुरू कर दिया। बस यहाँ पर जो है हम अफ्तारी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से जो है ना एक छोटा सा क्लिप टेबल का भी ले लेते हैं। तो बस मैंने जिस तरह से बताया कि आज जो है ना मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ मेन कोर्स में, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन रैप्स, और बहुत टाइम से जो है ना मैं कोशिश कर रही थी कि चिकन रैप्स बना लिए जाए, लेकिन यह कि आज फाइनली हमने ये सोचा कि पहली अफ्तारी है तो इसमें जो है ना कुछ मेन कोर्स अच्छा सा रखते हैं। तो बस उसके लिए जो है ना मैं प्याज और बेल पेपर तीनों कलर्स की जो है ना इनको मैंने काट लिया है थोड़े मोटे स्लाइसेस में, और फिर जो है ना अब इसको मैं तेल, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया था, पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा सा जो है ना लर्निंग प्रोसीजर में हूँ मैं भी, तो इनको जो है ना मैंने सॉटे कर लेना है। इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला था और हल्का सा जो है ना हल्की सी काली मिर्च डाली थी, ताकि जो है ना इसका टेस्ट बिल्कुल ही ब्लैंड ना हो, थोड़ा सा जो है ना इसमें टेस्ट आए। तो इसको जो है ना मैंने सॉटे कर लिया है, और फिर उसके बाद मैं इसको अलग कर लूँगी, अलग प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी पैन में ही फिर मैं चिकन को जो है ना अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, क्योंकि चिकन हमारी जाहिर सी बात है इधर ही गलेगी, तो उसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना हमने फ्राई करना है, और इसको कवर कर कर के फ्राई करेंगे ताकि जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस यहाँ पर जब चिकन अच्छी तरह से भुनभुना गई, तो उसके अंदर मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया, वन वन टेबल स्पून, सॉरी 1 टीस्पून, और फिर जो है ना इसको दोबारा से मैंने इसमें भी अच्छी तरह से पकाया, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नॉर्मल स्पाइसेस हैं कुटा हुआ धनिया एंड लाल मिर्च एंड हल्दी, ये जो है ना थोड़े थोड़े से एज़ पर टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं इसमें ऐड किया है। इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, और थोड़ा सा जो है ना चिली सॉस, और इसको जो है ना हम इसके साथ अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो है ना चिकन में सारे जो टेस्ट है, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन भी डाला था, तो इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो है ना चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और जो भी मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जो है ना लग जाए, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो हमारी जो सब्जियां हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करी थी डालने की, लेकिन ये आगे से बंद था, मुझे पता ही नहीं था, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये आगे से बंद है, फिर मैंने इसको खोला और जो है ना थोड़ा सा चिली सॉस डाला, तो बस ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अब जो है ना बाकी जो सब्जियां वो मैं ऐड करूंगी, और थोड़ा सा जो है ना मैं इसको पकाऊंगी मज़ीद, और फिर उसके बाद बस ये डन है, और फिर इसके बाद जो है ना हम रैप्स बनाने की तैयारी करेंगे। बस ये है कि अगर आप ये बना रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें ऑयल कम रखें, क्योंकि फिर जब आप रैप्स बनाते हैं तो वो ऑयल जो है ना निकल रहा होता है, आपके हाथ भी ऑयली हो जाते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता, तो बस ऑयल कम रखना है, ये मेरी भी लर्निंग थी, आपको भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रैप्स को जो है, सॉरी टॉर्टिलस को गरम कर लिया है, और उसके बाद जो है ना मैं कुछ सॉसेस लेकर आई थी, इन सॉसेस को मैं इस पर लगाऊंगी, और उसके बाद जो भी हमारा चिकन और वेजिटेबल्स का मिक्स है उसको मैं इसमें ऐड करूंगी, और कुछ सैलेट है वो ऐड करूंगी, और बस हमारे टोटल हमारे रैप्स तैयार हैं खाने के लिए। हाँ
ये देखिए मज़ेदार हमारे जो है ना रैप्स रेडी हो गए हैं चिकन के, और चिकन बहुत अच्छे से गल गया था, बहुत मज़े का था। और जो सारी सॉसेज मैंने सॉसेज एंड सैलड सब कुछ मिक्स बहुत मज़े का था। तो बस मैंने सोचा मैं फ्राइज़ बनाऊंगी, लेकिन इतना कुछ खा चुके थे तो फिर हमने जो है ना फ्राइज़ को रहने ही दिया। तो बस उसके बाद जो है ना चाय सेशन चला, और मेरी वीडियो भी यहीं तक है। कोई कॉमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी भी मौजूद है। आज का व्लॉग इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।